हाय दोस्तों, राधे राधे। तो आप कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होगे। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी के पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग स्ट्रॉबेरी बहुत खाते हैं और बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है और बहुत महंगी आती है। आज मैं आप अपने गमले में स्ट्रॉबेरी का पौधा कैसे तैयार करते हैं और बहुत कम मात्रा में, जो कि नर्सरी से खरीद के ला सकते हैं। तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो शुरू से एंड तक देखें। जो भाई नए हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइबर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रॉबेरी का पौधा है। देखो, स्ट्रॉबेरी का पौधा है जो कि अब पूरी गर्मी में खिलेगी। अभी आप देख रहे हैं स्टार्ट हो गई, हमारा फूल आना स्टार्ट हो गया है और आप ये देख रहे हैं। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी स्ट्रॉबेरी बन भी गई। एक यारी इस पर इतनी, देखो स्ट्रॉबेरी हाईब्रिड वाली स्ट्रॉबेरी है। देखो एक ये लग रही स्ट्रॉबेरी आप, यानी कि इस पर इतनी सारी स्ट्रॉबेरी आ रही हैं, हद से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी। देखो तो दोस्तों, आप अपने गमले में भी स्ट्रॉबेरी लगा सकती हैं। अब आप देख रहे हैं मेरा दूसरा पौधा ये है स्ट्रॉबेरी का, इस पर अभी देखो बहुत सारी आ रही हैं, आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारी स्ट्रॉबेरी आ रही हैं। ये देखो, इस पर इतनी स्ट्रॉबेरी आएगी, पूरी गर्मी भर स्ट्रॉबेरी आएगी। कम से कम एक पौधे के अंदर 700-800 ग्राम स्ट्रॉबेरी निकलती है। तो आप इस पौधे को जब नर्सरी से लाएं, आपको ध्यान रहे छोटा सा पौधा आ रहा है, मात्र 20 या 25 रुपये का आएगा ये पौधा। आप नर्सरी से आपने देखा होगा तो ये 60 या 70 रुपये का मिलता है आपको गमले में। और अपने घर में आप स्ट्रॉबेरी गमले में लगा सकते हैं, अपने पार्क में लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉबेरी चाहिए तो आप बड़े एक गमले के आकार की ट्रे आती है, आप उसमें इन स्ट्रॉबेरी को लगा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई स्ट्रॉबेरी जैसे हमारा कि नींबू अमरूद आम कम आते हैं तो स्ट्रॉबेरी भी कम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके गमले में स्ट्रॉबेरी खूब आएगी। एक ये बहुत ही अच्छी पौधा है, इसकी तो लोग खेती करते हैं और बहुत ही अच्छे दाम में मुनाफा पाते हैं। आपको ध्यान रहे जब ये हमारा पीला पत्ता पड़ जाए दोस्तों, तो इस पत्ते को बिल्कुल हटा देना, ये पत्ता बिल्कुल हटा देना, इससे जो हमारी नेगेटिव ऊर्जा रहेगी और वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आपका पौधा एकदम हरा भरा रहेगा। दोस्तों ये एक स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी है, बहुत ही अच्छी होती है। और मैंने आपको ये इसलिए लाया कि आपको स्ट्रॉबेरी का मौसम चल रहा है, फरवरी का मौसम आ गया और आप गर्मी आने वाली है और आप अपने गमले में स्ट्रॉबेरी लगा सकती हैं। तो आप नर्सरी से एक स्ट्रॉबेरी का पौधा लाएँ या दो लाएँ और इसी प्रकार से गमले में लगा दें। गमले से मिस लाएंगे तो ये 50 से लेकर 70 रुपये तक का मिल जाएगा और इस पर स्ट्रॉबेरी इतनी आएंगी बहुत ही ज़्यादा। आपको ध्यान रहे स्ट्रॉबेरी कच्ची नहीं तोड़नी, बिल्कुल पक जाए कि स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है और मार्केट में बहुत ही अच्छे दाम में बिकती है, इसलिए हमको लोग बहुत कम खाते हैं। और इसलिए मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाई है कि आप अपने गमले में स्ट्रॉबेरी बोएं और आप खूब खाएं। अगर आपको मान लो एक पर 700-800 ग्राम आती है तो आप 10-15 पौधे लगा दो, जो छोटे तो आपको ये 20 रुपये में या 15 रुपये मिल जाएगा। तो इसकी छोटी सी पौध आती है, 1 इंची की या 1.5 इंची की पौध आती है। आप जब इस पौधे को लगा दें, अब 1-1.5 इंची की नर्सरी से 20 या 25 की, 15 से 20 की मिल जाएगी, आप उसको लगा दें और वो बहुत, ये मात्र आप देख रहे हैं ये 20 दिन का पौधा है। अब इसे नर्सरी वाला 50 से 70 का देगा आपको, तो आप इसे 15-20 की लाएँ तो आपके स्ट्रॉबेरी खूब आएंगी और अपने घर में खूब खाएं। इसी प्रकार अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भाई नए हैं। अब आप पीछे देख रहे होंगे इनका भी सीजन फ्लावर का मौसम चल रहा है, आप इनको भी अपने पार्क में लगा सकते हैं। ये मैंने अपने रूम में लगा रखे हैं, थोड़ा सा रूम है, जब भी थोड़ी मैं इनको सनलाइट दिखा देता हूँ और ये पौधे हरे भरे रहेंगे। कम से कम ये 6 महीने तक फूल खिले रहेंगे। और आपने भी मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा वही पौधे अभी तक चल रहे हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में इसी प्रकार में नई स्ट्रॉबेरी जब आप इस पर आ जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो इस स्ट्रॉबेरी कितनी आ गई। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, तब तक के लिए बाय। मुझे इजाज़त दें, वंदे मातरम।